वर्गाकार कागज के टुकड़े से एक सप्तभुज बनाएं। सबसे पहले वर्गाकार कागज के टुकड़े को लेकर बीच से इस तरह से मोड़ दीजिए, इस तरह से मोड़ दीजिए, पहला स्टेप। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट हाफ इसका है उसको फिर से बीच से मोड़िए। देखिए ये इस तरह से ये मोड़ दिया। अब जो मैं इसके बाद करूंगा उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, एक क्रीज ये है और दूसरी क्रीज ये है। इसके से मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। यहाँ पर जो दूसरी क्रीज है यानी कि बीच वाली क्रीज है उसका ये पॉइंट पहली क्रीज के इस पॉइंट पर आ जाए, यहाँ पर इस तरह से ऐसे, ये देखिए, देखिए ये पॉइंट इस पर आ रहा है। एक बार फिर से देख लें, इसको इस पर लाना है, इस तरह से उलट देंगे इसको, फिर ये हिस्सा इस पर आ जाए, देखिए ये कोना इस पर इस तरह से आ जाए। अब देख रहे हैं आपको, आपके पास तीन कोने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ये ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे, एक फोल्ड क्रीज बना दिया। अब क्या करेंगे, ये इसको भी फोल्ड कर दिया, यहाँ से दूसरा फोल्ड, 1 2 3, 1 2 3, तीन त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, उलट के इसको फिर से फोल्ड कर देंगे, इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। फिर देखिए क्या करेंगे, फिर यहाँ से इसको ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, ये इस तरह फोल्ड कर दिया, गुड। अब फोल्डिंग का काम आपका समाप्त। अब पटरी लीजिए और जो तिरछी लकीर है, तिरछा विकर्ण जो है त्रिभुज का एक, इसमें क्या करेंगे, पटरी रखकर इस तरह से क्यों खींचा, लंबवत काटना है इसको। मैंने नज़दीक से काट दिया है, लाइन खींच दी, थोड़ा पीछे आपको खींचनी चाहिए थी, ये छोटा बनेगा। अगर थोड़ा पीछे आप लाइन खींचते तो आपका सप्तभुज बड़ा बनता। इसको अनफोल्ड कर दीजिए, ये देखिए सप्तभुज आपका तैयार। देखिए कंफर्म करते हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा और ये, हाँ ये सात भुजा, सप्तभुज आपका तैयार। कोशिश करिए।